लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ मोदी सरकार ने वापसी की है। ऐसे में निवेशकों को उम्मीद थी सरकार आर्थिक मोर्चे पर कड़े फैसले लेगी जिससे कि उन्हें लाभ होगा, लेकिन खबर बहुत बुरी सामने आ रही है। आपको बता दें 50 दिन की मोदी सरकार में अब तक शेयर मार्केट में निवेशकों को 12 लाख करोड़ डूब चुके हैं। बजट पेश करने के बाद 3 दिन में 5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। इसके बाद पिछले हफ्ते निर्मला सीतारमन ने एक बयान दिया तो उससे शेयर मार्केट में 2 लाख करोड़ की गिरावट आई। मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल अब तक निराशाजनक रहा है। आपको बता दें कि 30 मई को मोदी सरकार ने शपथ ली थी, तब BSE पर सूचीबद्ध कंपनियों का मार्केट कैप 156 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। महज 50 दिनों के बाद ये 11.70 लाख करोड़ रुपए या 7.5% घटकर 144 लाख करोड़ रुपए रह गया। मोदी सरकार 2 के 50 दिन के कार्यकाल में सेंसेक्स 1800 अंक तक टूटा है। बाजार के इस तरह के टूटने की वजह है सरकार की मौजूदा आर्थिक नीतियां। इसके अलावा आर्थिक विकास की दर में कमी भी बाजार के लिए चिंता का कारण है। आपको बता दें निर्माण क्षेत्र गिरावट की ओर है। ऑटोमोबाइल में उत्पादन लगभग बंद हो गया है। बड़े बड़े निवेशक अपना काम छोड़कर ट्यूट कर रहे हैं कि हालत खराब हो रही है। सरकार अपना कामकाज छोड़कर ट्यूट पर ट्यूट कर रही है। मोदी सरकार के अपने दूसरे कार्यकाल के 50 दिन पूरे होने के साथ शेयर बाजार में निवेशकों को 12 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं। इकोनॉमिक्स टाइम्स के मुताबिक 10 में से 9 स्टॉक मार्केट मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के तहत व्यापार करते हैं और ये खतरे के दायरे में है। 60% से अधिक स्टॉक्स में 10% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि इनमें से एक तिहाई 903 में से 20% की गिरावट है। सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि ये फिजिकल प्रूडेंस है, यानी खर्च पर लगाम कसे रहने से हटकर नहीं है। बजट के कुछ प्रावधानों जैसे ऊंचे इनकम टैक्स वाले अधिभार और सूचीबद्ध कंपनियों को न्यूनतम पब्लिक फ्लेट के 35% से 25% करने से भी बाजार में भागीदार लोगों के बीच नकारात्मकता देखी गई है। इसके अलावा उस अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बड़ी मुसीबत है जिसकी ग्रोथ सुस्त है और उसके पास 2024 तक $3 trillion से $5 trillion की इकोनॉमी बनाने की चुनौती हो। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करे।